सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज शो में काफ़ी ट्विस्ट आया है। फिर से एक घर वालों ने मतलब जनक को बाहर जाने का रास्ता तैयारी कर लिया। फैमिली तो बोस हाउस तो बहुत टाइम से चाहता है कि इस लड़की को निकालें हम, क्योंकि ये लड़की इस घर में अनवांटेड है। एज़ पर द स्टोरी हमारी चॉइस थी अर्शी कि अर्शी इस घर में बहू बन के आए, लेकिन ये लड़की अनिरुद्ध ले आया है इस लड़की को घर में। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब फाइनली अब हमने ये डिसाइड किया है कि इस लड़की को हम यहाँ से शादी करवा के भेजेंगे वापस कश्मीर। सो उसमें ऐसा हुआ है कि सृष्टि और मैंने प्लानिंग करी है कि इसकी शादी करवाई जाए जल्दी से जल्दी और इसे घर से विदा किया जाए कि ताकि घर में शांति बनी रहे और चीज़ें जैसे पहले थी वैसी वापस आ जाए। सो आज उसी की तैयारी चल रही है। लड़का दूल्हे को लाया गया है, मीट एंड ग्रीट हो रहा है कि लड़का लड़की से मिले और सब के सामने ये बात ओपनली की जाए, किसी को भी फोर्स नहीं किया गया है। तो उसकी मर्ज़ी से उसकी शादी यहाँ पे की जनक हाँ कर देती है शादी करने के लिए। तो आज ये सीन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घर के लोग हैं फोर्स कर रहे हैं। जनक काफ़ी यंग है और जो उसका हस्बैंड है वो काफ़ी मतलब होने वाला हस्बैंड काफ़ी एजेड दिख रहा है, घर के लोग कह रहे हैं। तो घर के लोग में से अप्पू है जो पॉइंट आपको आउट करती हाँ है, वो ही क्योंकि कर रहे हैं। अप्पू बहुत ही मुफ्फट कैरेक्टर है शो में। तो वो जो मन में आता है बिना सोचे समझे, बिना सोसाइटी के, बिना दुनियादारी के वो बोल देती है। तो वो जब पॉइंट आउट करती है, हमारा अभी मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है उसकी शादी हो, किसी से भी हो, कैसे भी हो, कहीं का भी लड़का हो। वो तो शिशि जी अपनी जानकारी में लेके आई हैं कश्मीर से कि कश्मीर से है ये, और इससे ये है कि जहाँ से आई है वही वहीं वहीं वापस पहुँच जाएगी और हमारे सर से बलाट उतरेगी। सो लेकिन हमारी इंटेंशन ये है, हमें लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो बेटा है अनिरुद्ध वो तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है जनक के लिए, तो वो करने देगा शादी? क्योंकि वो कह रहा है कि ऐड कर लिया है, करियर में फोकस करे, तो आपको क्या लगता है? अनिरुद्ध जो मर्जी सोचे कि वो खुश है इस चीज़ से या ना खुश है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अड़े बैठे हैं कि हम शादी करवा के रहेंगे। और अनिरुद्ध का डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज़ वो इतने टाइम से उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका ध्यान रखता है। ज़िंदगी मौत के बीच में दोनों ने मोमेंट्स फेस किए हैं एक दूसरे के साथ। सो वो सब है, लेकिन बोस परिवार, मैं, तनुजा, एवरीवन, वी डोंट केयर, वी ओवर लुक ऑल दीज थिंग्स, वी डोंट केयर अबाउट इट। वी सिंपली वॉन्ट दिस गर्ल टू बी आउट ऑफ दिस हाउस एंड अनिरुद्ध बैक टू अर्शी। सो उसमें अनिरुद्ध क्या आगे किस तरह से आगे रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, वो ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता है। जैसा भी करेगा, वो अड़ा बैठा है तो हम भी अड़े बैठे हैं, देखते हैं आगे। अगर हम बात करें शो की, शो 3rd नंबर में आ चुका है, घूमे किसी के प्यार को भी अभी टफ दे रहा है, साथ ही साथ ये रिश्ता कहलाता को पीछे कर लिया शो ने, क्या कहना चाहिए कि जनक को प्यार मिलता जा रहा है? और क्या आने वाले दिनों में जो शो स्टार प्लस का नंबर 1 शो है पूरे टीवी इंडस्ट्री का, अनुपमा, उसको बैक करेगा जनक, टफ कॉम्पिटिशन देगा जनक? आई थिंक द वे हम जब जिस तरह से हमारा शो लॉन्च हुआ था, जिस तरह से स्टोरी है, जिस तरह से किरदार हैं, जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ओपनिंग ही ऐसी थी कि ऑडियंस को पसंद आ रहा आने लगा शुरू से, स्टोरी, कैरेक्टर्स, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। सो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ये शो लंबी रेस का घोड़ा है, ये आगे तक तो जाएगा। अब जब हम बैठते हैं आपस में, हम ये सोचते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हमारा पर्सपेक्टिव इसलिए चेंज है कि अभी हम उस छोटी सोच है कि हम इससे ऊपर, उससे ऊपर, ऊपर नीचे लगा रहेगा। द पॉइंट इज़ शो इज़ एडमायर्ड बाय द ऑडियंस, शो इज़ लव्ड बाय द ऑडियंस, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद नंबर 1 पे आना है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम, वैसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम भी इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऑडियंस को खुश रखें। ऑडियंस इज़ द बॉस।